जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार ने किया है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, उसकी जड़ में तेल डालने वाला काम किया है, और हमारी जो बहुत बड़ी एक इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन लग गया है, हमारे राष्ट्रपति की गरिमा पर क्वेश्चन लग गया है, और ये पहली बार हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली दे वी विधायकों नु बर्खास्त किए जाने का मामला लगातार तूल फड़दा जा रहा है, अतः जिसकी चिंगारी पंजाब के इतिहासिक शहर फरीदकोट भी पहुंच गई है, जिथे फरीदकोट के हलका कोटकपुरा तो आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब किसान विकास कमेटी के प्रधान कुलतार संधवा ने दिल्ली विच बर्खास्त किए गए विधायकों के मामले नू लैके देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उते इल्जाम जड़े ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश दे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपने अहुदे का दुरुपयोग करते हुए देश दे गणतंत्र दे अहुदे उते चोट की है। आम आदमी पार्टी इस संबंध विच किसी नू मंग पत्र वगैरह नहीं देवेगी, सगो देश दे पिंड पिंड शहर शहर ते हर घर जाके लोगों नू दसेगी कि देश किस तरह नाल खतरे विच है। इस दौरान आप वर्करां ने केंद्र सरकार दे खिलाफ जोरदार नारेबाजी अते विरोध प्रदर्शन कीता। लोकतंत्र दी हत्या करन वाली सरकार, हाय हाय सरकार, हाय हाय लोकतंत्र दे हत्यारे, हाय हाय। सर, ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा पर चोट लगी है। ऐसा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार ने किया है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, उसकी जड़ में तेल डालने वाला काम किया है, और हमारी जो बहुत बड़ी एक इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन लग गया है, हमारे राष्ट्रपति की गरिमा पर क्वेश्चन लग गया है, और ये पहली बार हुआ है। अगर आप किसी के लाभ का पद मानते हैं तो उसका पद जाएगा, वो MLA से नहीं हटाया जाएगा, ये पहले हुआ है। अकाली दल के लिए कुछ और है, अकाली दल के जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हटाए थे, हमारा MLA ही आपने तोड़ दिया, और वो भी बिना सुने, और कभी नहीं होता। एक गांव की पंचायत भी दोनों पक्षों को सुनती है उसके बाद करती है। और ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जो आज रिटायर हो रहे हैं, ये कौन है? ये 3 साल मोदी जी के 3 साल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं गुजरात में, जब ये CM थे, और इन्होंने मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन की गरिमा को और भारत के लोकतंत्र को चोट पहुंचाई है, हमारे आम आदमी पार्टी के भारत के 20 MLA को डिस्क्वालीफाई करके। हम गांव-गांव जाएंगे, हम किसी को ज्ञापन नहीं देंगे इसके बारे में, हम गांव-गांव जाएंगे, हम शहर शहर जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके गणतंत्र को खत्म करने की साजिश है, आप बचा लो, भारत खतरे में है। मतलब आपका सीधे तौर पर कहना है कि ये BJP का हाथ है, मोदी सरकार का हाथ है इसमें इनको क्वालीफाई करने में? बिल्कुल, ये मोदी सरकार का हाथ है इसमें, हमारे गणतंत्र की भावना पर चोट डाली है। अज असी इत्थे इकत्तर तो होए जी, जिला फरीदकोट के सारे वर्कर साहबान, अहुदेदार साहबान, पंजाब नहीं देश दे विच पहली बारी ये जिहड़ा घिनौना अपराध देश दे राष्ट्रपति ने किया, जितते हुए MLA नू जिहड़ा हैगा वह घर नू तोरिया, ते वह बंदा वित्त मंत्री बनाया जिहड़ा बंदा लोक इलैक्शन दे विच हारिया होया। सो अज लोकतंत्र दा कतल होया, और इहनू इस गल नू असीं मंग पत्र नहीं देना किसी अफसर को, कि जदों राष्ट्रपति एडे वड्डे लैवल ते थल्ले गिर सकदा है, ते फिर
ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਐਡਾ ਪਾਰਸ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ MLA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਊਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼।